तो जैसे कि आपने वीडियो के शुरुआत में देखा, ठीक वैसे ही मैं आपको इस वीडियो में यूनिक क्लॉक विजेट्स MIUI थीम दिखाने वाला हूँ। जो पहला थीम है इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए, इस टाइप का आपको यूनिक सा जो है क्लॉक दिखेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको जो है एडिट का भी ऑप्शन दिखेगा इस वाले थीम में, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले देख लीजिए कि जब भी आप इसको अनलॉक करके फिर से लॉक करोगे तो आपको इस प्रकार से एक एनिमेशन शो करेगा। और क्लॉक को किस प्रकार से देखना है, पहला तो कि आपको इधर डिजिटल क्लॉक दिख जाएगा और ये वाला है एनालॉग क्लॉक। ये जो घूम रहा है ये है एक्चुअली सेकंड का कांटा, आप इधर से गौर कर सकते हो। और ये जो लाल दाग है इधर इधर आपको जो है शो करेगा घंटा, देख सकते हो कि 4 बज रहे हैं और कितना मिनट है 38। इधर देख सकते हो कि 40 के नीचे आपको 38 का शो करेगा। जैसे ही चेंज होगा तो ये जो है एक बार आगे चला जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, आप डबल प्रेस करोगे जो है इसके अंदर तो आपको जो है एक मतलब कि डार्क इंटरफेस शो होगा, देखिए फिर से वाइट। और इसके ऊपर क्लिक करके आप इधर देख सकते हो कैलेंडर, इसके ऊपर प्रेस करोगे तो क्लॉक का विजेट जो है चेंज होगा इस प्रकार से। एक और है, आप देख सकते हो कि और आपको ऑप्शन दिख जाएगा। उसी के साथ साथ आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हो, इस प्रकार से कलर भी चेंज करने का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। बहुत ही यूनिक सा है, आप देख सकते हो कि 39 जैसे ही हुआ तो एक बार ये ऊपर चला चुका है, मतलब कि इस प्रकार से डाउन होगा। इस प्रकार से आप चेंज आउट कर सकते हो। इधर आपको जो है आपको शो करेगा कैमरा बटन, प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन इस टाइप का दिखेगा, क्लॉक विजेट चेंज है, बहुत ही यूनिक टाइप का दिखेगा। आइकॉन्स पैक की बात करें तो सभी चेंजेस है वाइट कलर में, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका इंटरफेस। कंट्रोल सेंटर में कोई चेंजेस नहीं है और ना ही सेटिंग UI में आपको चेंजेस दिखेगा। स्पेशल है इसका लॉक स्क्रीन। और इस थीम का नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा, ए लिख के सेम टू सेम लिखिएगा तो आपको दूसरे ऑप्शन में दिखेगा ये वाला थीम, जी हाँ दूसरे वाले ऑप्शन में। और इसका जो साइज है 52.9 MB का है, इसके ओनर है। दूसरा जो थीम है इसका लॉक स्क्रीन देखिए, इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखेगा। जब भी आप ऑन करोगे तो इस प्रकार से नीचे से आएगा। और एक और चेंजेस है कि आप क्लॉक के ऊपर डबल टैप करोगे तो इसका इंटरफेस थोड़ा चेंज होगा। आप देखोगे पीछे की तरफ थोड़ा विंडोज़ जैसा जो है इंटरफेस दिखेगा और इस प्रकार से घंटे की तरह जो है सेकेंड का कांटा इस प्रकार से जो है झूलता रहता है। इधर आपको जो है दिख जाएगा एनालॉग क्लॉक, यूनिक सा लगा मुझे। नीचे भी आपको डिजिटल ऑप्शन दिख जाएगा और इसके ऊपर डबल प्रेस करके आप जो है चेंज कर सकते हो, देख सकते हो डबल प्रेस करोगे तो थोड़ा इंटरफेस चेंज होगा। स्वाइप टू अनलॉक है ये भी, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन इस प्रकार से दिखेगा, क्लॉक विजेट चेंज है, आइकॉन्स पैक की बात करें तो आपको इधर चेंजेस दिख जाएगा इस प्रकार से। और इस थीम का नाम है आपको थीम स्टोर में सिंपली सर्च करना होगा लाइट, लाइट लिख के सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा नीचे, देखिए नीचे ये वाला जो थीम है यही आपको डाउनलोड करना है। 24 MB का है, इसके ओनर है। नंबर 3 पे है ए वाला थीम, इसका आप लॉक स्क्रीन देख सकते हो। इधर आपको थोड़ा एनिमेशन भी दिखेगा, जब भी आप ऑन करोगे इस प्रकार से ऊपर से नीचे ऑन होकर आएगा। और ये जो एनालॉग क्लॉक है ये भी यूनिक है, आपको इस टाइप का एनालॉग क्लॉक दिखेगा। डबल प्रेस करोगे तो ये जो है डार्क मोड में जाएगा, फिर से व्हाइट मोड जाएगा, तो व्हाइट तो नहीं लेकिन उसके जैसा ही है। और ऊपर आपका एक बटन दिखेगा, इसके ऊपर आप टैप करोगे तो इसका जो है चेंज होगा क्लॉक विजेट, देख सकते हो इस प्रकार से। ये भी मुझे यूनिक लगा, इधर आपको दिख जाएगा। और एक चीज़, डिजिटल क्लॉक डेट संडे और नीचे टू टुमोरो, मतलब कि कल के दिन होने में और कितने घंटे बाकी है वो आपको शो करेगा। स्लाइड अप टू अनलॉक है, इधर आपको डायल और इधर आपको कैमरा दिखेगा। जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन इस टाइप का दिखेगा, बेसिक से आपको होम स्क्रीन का कलर दिखेगा, एकदम सिंपल सा कलर है। आइकॉन्स पैक की बात करें तो थोड़ा ऐसा लगेगा पीछे के अंदर शैडोज है, थोड़ा 3D लुक आपको देगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका आइकॉन्स पैक का स्टाइल। स्टेटस बार में आइकॉन चेंज है थोड़े बहुत और कंट्रोल सेंटर चेंज नहीं है। सेटिंग UI में आपको चेंजेस दिखेगा आइकॉन्स में और पीछे का बैकग्राउंड भी थोड़ा कलर चेंज है। और इस थीम का नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा टेक्सचर DIAL तो आपको दिख जाएगा पहले ही ऑप्शन में। 7.2 MB का है, इसके ओनर है। और नंबर 4 पे है ए वाला थीम, इसका लॉक स्क्रीन देखोगे इस प्रकार से एनिमेशन होके आपको जो है दिखाएगा। फिर से मैं आपको दिखाऊँ कुछ इस टाइप का। और एनिमेशन के साथ साथ इसका क्लॉक विजेट भी बहुत ही यूनिक है, आप देखोगे नंबर्स लिखने का स्टाइल भी बहुत ही यूनिक है। एनालॉग क्लॉक है, नीचे आपको डिजिटल डेट गुड आफ्टरनून और बाकी सब दिख जाएगा। एक और चीज़ है, इसको ऊपर कर सकते हो आप, पता नहीं क्यों दिया गया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस प्रकार से दिया गया है, आप ऊपर नीचे इस प्रकार से कर सकते हो। और ये स्वाइप राइट टू अनलॉक है, स्वाइप अप टू नहीं है, स्वाइप राइट करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन बेसिक सा दिखेगा, ऊपर का कलर अलग नीचे का कलर अलग, देख सकते हो कि इस टाइप का आपको चेंजेस दिखेगा। और उसी के साथ साथ सेटिंग UI में भी आपको चेंजेस दिखेगा पीछे का बैकग्राउंड। और ख़ास बात तो इसका जो है लॉक स्क्रीन ही है, और इस प्रकार से जो आपको एनालॉग क्लॉक दिया गया है क्लॉक विजेट का, ये तो मुझे काफ़ी पसंद आया, यूनिक सा है। और इस थीम का नाम है आपको सर्च करना होगा, इस प्रकार से लिख के नीचे डॉट दोगे तो डॉट
आएगा, लेकिन मेरा चला गया पता नहीं क्यों। इस प्रकार से ये वाला थीम है, 16.3 MB का है, इसके ओनर है। आप सिंपली इन थीम्स को डाउनलोड कर सकते हो। यूनिक सा क्लॉक विजेट है, जो भी आपको पसंद हो उनमें से आप डाउनलोड कर सकते हो आपके किसी भी Xiaomi, Redmi या फिर पोको फ़ोन में जहाँ पे MIUI चलता है।